हाय गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपडेट पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, आप कैसे प्लैटी फिश को ब्रीड करवा सकते हैं अपने एक्वेरियम के अंदर। अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्लैटी फिश को ब्रीड करना आपके लिए एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि इन फिशेज़ को आप आसानी के साथ ब्रीड करवा सकते हैं। प्लैटी फिश जो होती है वो लाइव बियरर होती है, यानी कि ये जो फिशेस होती है ये अंडे को ले नहीं करती, ये फिश जो होती है डायरेक्ट बर्थ देती है। इस फिशेस को आप कोई भी टेम्परेचर और वाटर कंडीशन में ब्रीड करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो फिशेस होती है ये हर्डी फिशेस होती है। अगर आप सही टेम्परेचर देंगे तो ब्रीड जल्दी हो जाएगी। सो आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए मैं आपको उन स्टेप बता देता हूँ जिनकी मदद से आप प्लैटी फिश को आसानी के साथ ब्रीड करवा सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो गाइज, वेलकम टू एक्वा स्टेशन माई यूट्यूब चैनल। गाइज, इस चैनल पे मैं आपको फिश रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता हूँ, आप कैसे फिश को केयर कर सकते, कैसे फिश को ब्रीड कर सकते। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लैटी फिशेस एक्टिव फिशेस होती है और ये फिशेस अराउंड 1.5 इंचेस तक बड़ी हो जाती है। तो आपको एक बड़ी टैंक लेनी होगी अराउंड 1.5 फीट तक, अगर आप इन फिशेस को सक्सेसफुली ब्रीड करना चाहते हैं अपने एक्वेरियम के अंदर। जब ये फिशेस 6 मंथ की एज की हो जाती है तब ये फिशेस ब्रीड करने के लिए लायक होती है। अगर आप इन फिशेस को कम्युनिटी टैंक में रखेंगे तो भी ये फिश आसानी के साथ ब्रीड कर लेगी, लेकिन फिशेस का जो फ्राई होगा वो दूसरे फिशेस खा लेगी। तो बेटर है कि आप अलग टैंक में इस फिशेस को ब्रीड करवाएं। और गाइस, इन फिशेस को आप ब्रीडिंग बॉक्स में भी ब्रीड करवा सकते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट स्टेप है, सिलेक्शन ऑफ द मेल एंड फीमेल, यानी अपने ब्रीडिंग पेयर को चुनना। अगर आप इन फिशेस को सक्सेसफुली ब्रीड करना चाहते हैं तो आपको एक टैंक लेनी होगी अराउंड 1.5 फीट तक, और गाइस उसमें आपको मेल एंड फीमेल को रिलीज करना होगा। और जो मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है, 3 females 2 male एंड 2 females 1 male, आपको यही वाला रेशियो मेंटेन करना है अगर आप इन फिशेस को सक्सेसफुली ब्रीड करना चाहते हैं तो। और गाइस, एक बात का ध्यान रखें, जब आप फिश को बाय करने जा रहे हैं तो आपको फिश को अच्छे से एग्जामिन कर लेना पड़ेगा, उसका फिन यानी कि जो पर वो ठीक है, उसका कलर ठीक है, उसके बाद ही आपको फिश को खरीदना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। ध्यान रखें आपका जो ब्रीडिंग पेयर है वो हेल्दी हो। अब ब्रीड करवाने से पहले फिश को वेल फूड खिलाएं, क्योंकि अच्छे फूड फिश को प्रमोट करता है ब्रीडिंग करने के लिए। आप फिशेस को ब्लाडोम, डफनी और गुड क्वालिटी फ्लेक्स भी दे सकते हैं। आप 1 week तक फिश को अच्छे से फूड खिलाएं, उसके बाद ही आपका जो पेयर है वो ब्रीड करने के लिए परफेक्टली रेडी हो जाएगी। और गाइस, आप फिश को दिन में 2 बार भी खाना दे सकते हैं। और गाइस, ब्रीडिंग टैंक का आपको पर वीक 50% वाटर चेंज करना है। और गाइस, आप 2 से 3 दिन के बाद भी 25% वाटर चेंज भी कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल प्लैटी फिश। फीमेल प्लैटी फिश मेल से बड़ी होती है और जो मेल होती है वो फीमेल से छोटी होती है। इस चीज़ को आप जान लीजिए, क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आमतौर पर दूसरे फिशेस के अंदर जो मेल होती है वो बड़ी होती है और जो फीमेल होती है वो छोटी होती है, लेकिन प्लैटी फिशेस के अंदर फीमेल बड़ी होती है मेल से। और जो दूसरा डिफरेंस है, जो मेल प्लैटी फिश होगी वो फीमेल को चेस करेगा। आप गाइस वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं मेल एंड फीमेल। और गाइस, मेल एंड फीमेल का जो डिफरेंस है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक। उस वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और गाइस उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जो स्टेप 2 है, टैंक सेटअप करना। बेहतर होगा अगर आप ब्रीडिंग पेयर के लिए एक अलग टैंक तैयार करें। ब्रीडिंग टैंक का साइज 1.5 feet हो तो बेटर है, ताकि जो फीमेल है उसको ज़्यादा स्पेस मिल सके ब्रीडिंग करने का टाइम। ब्रीडिंग करने का टाइम जो मेल है वो फीमेल को चेस करते हैं, इसलिए फीमेल के इंजरी का चांस भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप बड़े टैंक लेंगे तो फीमेल का जो इंजरी का चांस भी कम हो जाएगा और आपका पेयर अच्छे से ब्रीड भी कर पाएगा। और गाइस, जो मेल का रेशियो है वो फीमेल का रेशियो से हमेशा कम होना चाहिए, तो ही आपका पेयर सक्सेसफुली ब्रीड कर पाएगा। इसी के साथ आपको ब्रीडिंग टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेस देना है, जैसे कि हो गया रॉक्स, बबल, प्लास्टिक प्लांट। और बहुत अच्छा होगा अगर आप उस टैंक में लाइव प्लांट यूज़ करेंगे तो, क्योंकि लाइव प्लांट मछलियों के बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप लाइव प्लांट में जावा मॉस, अमेज़न सोड, गप्पी ग्रास कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसी के साथ आपको ब्रीडिंग टैंक में हीटर लगाकर उस टैंक का टेम्परेचर आपको अराउंड 26 to 28 degrees centigrade तक करना है। हीटर लगाने के जो फ़ायदा है, जो मछली है वो जल्दी से ब्रीड कर लेगा अगर आप हीटर लगाएंगे तो टैंक में। आप फिल्टर में स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, और हो सके तो टैंक के अंदर एक एयरस्टोन डाल दे, उसके वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा आपका पानी के अंदर। और गाइस, स्पॉन्ज फिल्टर की वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होती है। और गाइस, आप इंटरनल और टॉप फिल्टर को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो जो फ्राई है उनको अंदर सक कर लेगी। सो गाइस, आप अवॉइड कीजिए इंटरनल एंड टॉप फिल्टर को।
टैंक सेटअप होने के बाद आपको मेल एंड फीमेल को उस टैंक पे रिलीज करना होगा। आप मेल एंड फीमेल को हो सके तो एक साथ ही रिलीज कीजिए। उसके बाद आपको वेट करना होगा मेटिंग तक। मेटिंग के दौरान जो मेल है वो फीमेल को चेस करेगा और उसके आसपास घूमेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग सिस्टम को ज़रूर ऑफ कीजिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा जो मेल है वो फीमेल को चेस कर रहा है गाइस। उसके गाइस इसके 10 दिन के बाद मेरा जो फीमेल है वो फ्राई को रिलीज कर देगा। उसके बाद आपको मेल एंड फीमेल को उस टैंक से सेपरेट कर देना होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो मेल एंड फीमेल है वो अपने ही फ्राई को खाना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस बेहतर है आप मेल एंड फीमेल को उस टैंक से सेपरेट कर दीजिए। और गाइस ध्यान रखें, जो ब्रीडिंग टैंक में आपको लाइफ टेंट ज़रूर देना है। और गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो है केयर ऑफ द फ्राई। जिस टैंक में आपका फ्राई है उस टैंक पर आप मिथिलीन ब्लू लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और गाइस आपको 26 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है उस टैंक का। और आप जो फ्राई है उनको फीडिंग में आप ब्राइन श्रिम्प एंड क्रस्ट प्लेट भी दे सकते हैं। और गाइस बेहतर होगा अगर आप फ्राई को डफनिया देंगे तो। सो गाइस जो स्टेप 6 है वो है प्रॉपर फीडिंग ऑफ द फ्राई। आप अपने फ्राई को दिन में दो बार भी खाना दे सकते हैं। और गाइस आपको 25% वाटर आफ्टर 2 से 3 दिन के बाद आपको चेंज करना होगा उस टैंक का, जिस टैंक में आपका फ्राई है। जो स्टेप 7 है टैंक सेटअप फॉर द फ्राई। आपका जिस टैंक में फ्राई है आप उस टैंक में लो लाइट यूज़ कीजिए और उस टैंक का टेम्परेचर अराउंड 24 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन कीजिए। और गैस आप फिल्टर में स्पॉन्ज फिल्टर तो ज़रूर यूज़ कीजिए, और हो सके तो पानी के अंदर एक एयरस्टोन डाल दीजिए, उसके वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा आपका पानी के अंदर। और गैस आप ज़रूर हाइडिंग प्लेस दीजिए, और बेहतर होगा अगर आप उस टैंक में लाइफ प्लांट देंगे तो आपको लाइफ प्लांट देना ही है उस टैंक में, जिस टैंक में आपका फ्राई है। और गैस जो स्टेप 8 है वह ट्रांसफ़र ऑफ द फ्राई, यानी कि आप 2 से 3 महीने के बाद आपका जो फ्राई है उनको आप कम्युनिटी टैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो कैसे टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से आपको फिश को फूड दे रहे हैं। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा प्लैटी फिश के ब्रीडिंग में। सो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।